रायबरेली नर्सिंग होम संचालक की मनमानी उजागर, महिला का किया गर्भपात, थमा दी एक्सपायरी दवाएं। नर्सिंग होम संचालक के खिलाफ की शिकायत, संचालक और स्टाफ मौके से हुआ फरार। खीरो थाना क्षेत्र के कस्बे का मामला। अंशु श्रीवास्तव, जिला क्राइम ब्यूरो, चीफ टीवी इंडिया टीम, रायबरेली। आरओई हॉस्पिटल के विरुद्ध शिकायतें मिल रही थी, बोर्ड में भी दो बार इनको सूचना दी जा चुकी थी और आज कुछ अधिकारियों के निर्देश पर जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो किसी भी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं, कोई भी ट्रेन स्टाफ नहीं है और जिन डॉक्टर्स के इन्होंने पेपर्स लगा रखे हैं उनमें से कोई भी मौजूद नहीं है। कुछ अधिकारियों का निर्देश में आज मैंने इनका हॉस्पिटल सील किया है ताकि क्षेत्र की जनता को निःशुल्क इलाज, अच्छा इलाज, सरकारी इलाज मिल सके। जयपाल, यहाँ क्या करने आए थे? सफाई कराने। किसकी? पत्नी। क्या नाम है? नीतू। कितने बजे आए थे? ढाई तीन बजे आए थे। अच्छा, कितने रुपए बताया था? 2500 रुपये बताया। 2500। ये दवा कब दिया, कितने बजे दिया? दवा तो 1100 रुपये बताया। दवा क्या मिलता है? नहीं, दवा ये दिया कब है तुमको? अभी दी है। तो दवा की डेट खत्म है ना? कौन डॉक्टर है, किससे बात किया? अच्छा, तुमसे 2500 रुपये मांगा था। तो अब पत्नी की तुम्हारी हालत कैसी है, ठीक है? सही है। तुम इनके पति हो? हाँ।